तो अगर आप सोच रहे हैं एक नया फ़ोन परचेज़ करने का, तो मैं कहूँगा थोड़ा देर रुक जाओ। हे व्यूवर्स, की हाल चल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो आपको 10,000 के अंदर में देखने को मिलने वाला है 4 दिनों के अंदर, बहुत ही कूल स्पेसिफिकेशन और कमाल के बैटरी बैकअप के साथ में आने वाला है। तो अगर आपका प्राइस रेंज और बजट 10,000 के अंदर है और आप खोज रहे हैं एक गेमिंग स्मार्टफोन और एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, तो इस वीडियो को प्लीज़ टिल द एंड देखना। आज के इस वीडियो में जो स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो किलर से भी ऊपर होने वाला है। तो चलो नई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकलोली के। नाउ लेट्स बिगिन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही पहचाना, ये है रियलमी का 5 जो आपको देखने मिलने वाला है 4 दिन बाद, मतलब 20 नवंबर को रियलमी X2 Pro के साथ में इंडिया के अंदर बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ में आने वाला है। इस स्मार्टफोन में बजट किलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको हर एक वो चीज़ देखने को मिलता है जो एक बजट सेंट्रिक फ़ोन में आपको अभी फिलहाल नहीं मिलता है। तो अगर आप एक परचेज करना चाहते हैं 10,000 के अंदर में फ़ोन जिसमें कैमरा टॉप नॉच हो, बैटरी बैकअप बहुत ही बड़ी हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ टिल द एंड देखना, स्किप मत करना वरना आपका नुकसान ही होगा। तो बात करें कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर, इसमें आपको देखने मिलता है 6.5 रेंज का HD+ वाला डिस्प्ले जो आपको वाटर ड्रॉपलेट पहुँच के साथ में आता है। डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। बात करें इसमें प्रोसेसर के ऊपर, स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिलने वाला है, AIE वाला चिपसेट जो 2.0 GHz पे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। बात करें कैमरा के ऊपर, तो वाटर ड्रॉपलेट नॉच के अंदर आपको 30 MP का कैमरा यूज़ किया जाएगा जो एक अच्छी बात है, अच्छा सेल्फीज आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। बात करें रियर कैमरा के ऊपर, क्वाड कैमरा सेटअप इस बार देखने को मिलने वाला है रियलमी के 5S में, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 48 MP का होने वाला है। बात करें सेकेंडरी कैमरा के ऊपर, तो 8 MP का होने वाला है जो एक वाइड एंगल कैमरा होगा। थर्ड कैमरा के ऊपर बात करें तो 2 MP का एक डेप्थ कैमरा होगा एंड फोर्थ कैमरा एक माइक्रो शॉट कैमरा होने वाला है। कुछ इस तरह का आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है रियलमी के 5S में। बात करें रैम और रोम वेरिएंट के ऊपर, 4 GB की रैम के साथ में आने वाला है, तो आपको 64 GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा जो अच्छी बात है। साथ में इसका 128 GB रोम वेरिएंट भी अवेलेबल होगा जो बहुत ही अमेजिंग बात है। बात करते हैं बैटरी बैकअप के ऊपर, तो इसमें आपको देखने को मिलता है 5000 mAh का मैसिव बैटरी जो वूक चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है, टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड्रॉइड 9.0 पाई पे ये काम करता है और बहुत ही जल्दी 10 का अपडेट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लॉन्चिंग डेट के ऊपर मैंने बता दिया 20 नवंबर को आ रहा है। अब प्राइस के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्राइस ही मेन फैक्टर है एक फ़ोन के लिए। तो बात करते हैं इस फोन का प्राइस, तो ये फ़ोन का प्राइस आपको रेडमी के नोट 8 से सस्ता मिलने वाला है क्योंकि इस फोन को सीधे सीधा कम्पीट करना है रेडमी नोट 8 से। रेडमी नोट 8 का भी फिलहाल प्राइस है 10,000 इंडिया के अंदर 4 GB रैम वेरिएंट वाला। तो अगर इससे कम्पीट करना है तो 10,000 से भी कम में, मतलब 9,000 या 9,500 में ये फ़ोन जो लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, जो बहुत ही अमेजिंग बात होगा अगर इस प्राइस में लॉन्च होता है। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कोई फ़ोन परचेज करने का, तो मैं तो बोलूँगा वेट कर लो क्योंकि इससे अच्छा फ़ोन 10,000 के अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि रेडमी के नोट 8 में भी आपको बड़ी बैटरी देखने को नहीं मिलती है, 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जबकि रियलमी के 5S में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ख़राब क्या है, इसमें आपको डिस्प्ले HD+ वाला मिलता है और वहीं पे रेडमी के नोट 8 में फुल HD+ वाला देखने को मिलता है, बाकी सब सेम है और बल्कि ज़्यादा देखने को मिलता है रियलमी के 5S में। तो देखते हैं 20 नवंबर को ये फ़ोन आने वाला है, मेरे हिसाब से बहुत ही किलर होने वाला है और इंडियन मार्केट में तो धूम मचा ही देगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। कोई भी सवाल हो जाए तो कमेंट करना मत भूलना, इस पर मैं ज़रूर गौर करूँगा। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।